नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वो महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए लगाए गए कोरोना प्रतिबंध को कम करे या खत्म कर दे। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2022 काफी अच्छा साबित हो सकता है। इस साल भारत में सैलरी इंक्रीमेंट 9.9% के स्तर पर जा सकती है। ये 5 साल का उच्चतम स्तर है। लीडिंग ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म AON के 26वें वेतन वृद्धि सर्वेक्षण के मुताबिक साल 2021 में सैलरी इंक्रीमेंट का स्तर 9.3% था। बीते साल से 2022 की तुलना करें तो इस साल 0.6% की बढ़ोतरी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,757 नए केसेस सामने आए हैं और 541 लोगों की जान गई है। कल 30,615 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि कल की तुलना में आज मामले बढ़े हैं। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट में बुधवार को भी याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं के वकील की तरफ से दलीलें रखती देखी गई। वकील ने कहा कि भारत में पगड़ी, चूड़ी, बिंदी और क्रॉस समेत तरह तरह के धार्मिक प्रतीकों को धारण किया जाता है, तो फिर सरकार ने सिर्फ हिजाब पहनने पर ही रोक क्यों लगाई और उसके साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव कर रही है। दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि साल 2022-23 में रिकवरी तेज होने के साथ ये साल आने वाले समय में ग्रोथ के लिए काफी अहम साबित होगा, इसलिए कंपनी अफसरों का फायदा उठाने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। कंपनी के सीईओ सलील पारेख ने जानकारी दी है कि अगले वित्त वर्ष में कंपनी 55,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को मौका दे सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी यूजर के लिए अलर्ट जारी किया है। ईपीएफओ ने अपने सभी मेंबर से कहा है कि कोई भी खाताधारक सोशल मीडिया पर खाते से जुड़ी जानकारी भूल से भी शेयर ना करे, जिससे अकाउंट होल्डर्स बड़े धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। अगर ईपीएफ खाते की जानकारी धोखेबाजों के हाथ लग गई तो वो आपके खाते से पैसे उड़ा सकते हैं। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। मतदान से पहले पंजाब में राजनीति चरम पर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादी के समर्थक थे। विश्वास ने कहा कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या वो एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि खालिस्तान के पहले पीएम होंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई धक्का मारकर पार्टी से निकाल दे तो अलग बात है। उन्होंने कहा कि वो बीते 40 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार ने पार्टी के लिए अपना खून बहाया है। वो पार्टी के किराएदार नहीं है बल्कि हिस्सेदार है। बता दें कि मनीष तिवारी श्री आनंदपुर साहिब के कांग्रेस सांसद है। नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में डटे रहने वाले प्रत्याशियों की तस्वीर अब साफ हो गई है। गोरखपुर सदर सीट पर सीएम योगी के मुकाबले कल 12 उम्मीदवार हैं। सपा ने यहां से भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल अब जो स्वर्गीय की पत्नी शुभावर्ती शुक्ला को उतारा है। गूगल ने इंदौर में बगस्मिर नाम की कंपनी चलाने वाले अमन पांडे को 300 गलतियां ढूंढने पर करीब 66 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। अमन पांडे झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई छोटे शहर पतरातू में की। 12वीं तक की पढ़ाई के लिए बोकारो चले गए। बोकारो के चिन्मया स्कूल से पढ़ाई खत्म कर अमन ने भोपाल एनआईटी से बीटेक किया। झारखंड में मनरेगा में 54 करोड़ के घोटाला प्रकाश में आया है। इस मामले में शिकंजा कसना भी शुरू हो गया है। घोटाले में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में रांची में बीडीओ समेत 39 अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। झारखंड राजद ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय सिंह यादव के नाम की घोषणा कर दी है। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में सदस्यता अभियान को गति देने का हवाला देते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। संजय सिंह यादव हुसैनाबाद विधानसभा सीट से राजद के विधायक रह चुके हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को अपने नवीनतम पूर्वानुमान में कहा है कि तमिलनाडु और केरल में अगले 5 दिनों तक मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 2 दिन लगातार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने उस समय को याद किया जब अरबपति निवेशक चार्ली मंगेर ने कहा था कि हर हाल में उनकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी फेल हो जाएगी। 98 साल के चार्ली मंगेर बर्कशायर हाथवे के उपाध्यक्ष हैं। इस ग्रुप को वॉरेन बफे कंट्रोल करते हैं। चीन दुनिया का ऐसा देश है जो चोरी करने में भी माहिर है, चाहे छोटी मोटी सामानों की हो या फिर वाहनों की हो या फिर क्यों ना हथियार की हो। चीन हर एक चीज को चुरा कर कॉपी कर लेता है। ताजा खुलासा अमेरिका नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत की तकनीक को लेकर है, जिसे चीन ने चुरा ली है। हाल ही में एक सीक्रेट तस्वीर सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है।
रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए चिन्हित जगहों का सर्वे किया जा रहा है। इस मार्च के पहले पूरा करने की तैयारी हो रही है। इस कार्य के लिए चयनित एजेंसी जीनस को लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है। एजेंसी रांची में सर्वे करा रही है। सर्वे के दौरान ये देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में नेटवर्क की क्या स्थिति है। इसके बाद उपभोक्ताओं का डिटेल लेकर एक महीने बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार को आने वाले कुछ सालों में तीसरा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही इसका काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटे बक्सर से भागलपुर के बीच नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इन हाईटेक सड़कों को बना रही है। भारत दर्शन पर्यटन ट्रेन योजना के आधार पर दक्षिण भारत दर्शन पर्यटन ट्रेन का परिचालन 2 मार्च को किया जाएगा। पूरी ट्रिप 13 रात और 14 दिन की होगी। इसके अंतर्गत यात्रियों को मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन, ज्योतिर्लिंग, त्रिवेंद्रम और पुरी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। 2 मार्च को भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन द्वारा जयनगर से शुरू होकर मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, राजगीर, गया, कोडरमा, बोकारो, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा होते हुए जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बिहार के राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इसे बिहारियों का अपमान करार दिया है, जबकि कांग्रेस ने बयान से पल्ला झाड़ लिया है। जो उम्मीदवार सहायक की नौकरी करना चाहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहायक पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके 950 पदों के लिए आवेदक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो उम्मीदवार जारी अधिसूचना के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करता है वो 17 फरवरी से शुरू होने वाले आवेदन प्रक्रिया में 8 मार्च तक फॉर्म अप्लाई करके भाग ले सकते हैं। झारखंड एसएससी के 956 विभिन्न पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है। पहले जेएसएससी के इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 फरवरी थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दी गई है और अंतिम तारीख 21 फरवरी 2022 तय की गई है। वो कैंडिडेट जो झारखंड शॉर्ट सर्विस कमीशन के इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं वो जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका पता है jssc.nic.in। बुधवार 16 फरवरी को म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी का निधन हो गया था। वो 1 महीने से बीमार थे। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार 17 फरवरी यानी कि आज किया गया। उनके अंतिम यात्रा में दोस्त, रिश्तेदार और कई सेलेब्स भी शामिल हुए। अंतिम संस्कार गुरुवार को पवन हंस शमशान घाट पर किया गया। घर से उनकी अंतिम यात्रा निकली तो हर किसी की आंखें नम हो गई। बेटे ने जब पिता को कंधा दिया तो आंसू नहीं रोक पाया। बेटी और पत्नी ने भी बमुश्किल खुद को संभाले हुए था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोशिश तेज कर दी है। उड्डयन मंत्रालय ने यूक्रेन से भारत आने वाले विमानों की संख्या पर लगे प्रतिबंध और विमानों के भीतर यात्रियों की सीमित संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, जिससे कि अधिक से अधिक भारतीय नागरिक और यहां पर पढ़ रहे छात्र वापस भारत लौट सके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को कुरान का हवाला देते हुए कहा है कि यह शिक्षा पर फोकस करता है, न कि हिजाब पर। यदि कोई कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा तब उसे यह बात समझ में आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिजाब को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। अब यह सवाल बन गया है कि शिक्षा जरूरी है या हिजाब। मुस्लिमों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा है। सर्च इंजन गूगल हर साल अपने विभिन्न सर्विस में बग ढूंढने वालों को लाखों रुपए देता है और कंपनी ने साल 2021 में बग का पता लगाने वाले इंदौर के लड़के को $87 लाख यानी करीब 65 करोड़ रुपए देने का काम किया है। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में इंदौर के अमन पांडे को का खास जिक्र भी किया है, जो बगसिमर कंपनी के संस्थापक है। कोरोना महामारी के कारण उपजे संकट के बाद भारतीय कंपनियां कर्मचारियों के वेतन में 9.9% की बढ़ोतरी कर सकती है, जो ब्रिक्स देश में सर्वाधिक है। ब्राजील, रूस, भारत और चीन के बीच तुलनात्मक अध्ययन में वैश्विक पेशेवर सेवा फर्म अयोन ने पाया था कि भारत में कर्मचारियों के वेतन में 9.9% की बढ़त का अनुमान है, जबकि रूस में 6.1%, चीन में 6.0% और ब्राजील में 5% की तेजी का अनुमान जताया गया है। अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की। इस योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जहां एक और जनता के पास दवा का खर्च बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये रोजगार दिलाने का एक बेहतरीन जरिया है। यहां आपको दवाई साधारण मेडिकल स्टोर के मुकाबले 90% तक सस्ती मिलती है।
रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इन दोनों देश के ऊपर है। हालांकि नाटो देश इस दोनों देश को समझाने में लगे हुए हैं ताकि युद्ध टल जाए, लेकिन रूस ने पूरी तरह से ठान लिया है कि वो हर हाल में यूक्रेन पर हमला बोलेगा। इस बीच अमेरिका ने कई बार चेतावनी दी है कि वो अगर यूक्रेन पर हमला बोलता है तो उसके सामने अमेरिका होगा और वो रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा देगा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन पर रूस के हमले की संभावना अभी भी बनी हुई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बुधवार को कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के दरवाजे अभी भी खुले हैं। साथ ही उन्होंने चेताया है कि किसी भी मनगढ़ंत वजह का हवाला देकर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। प्रेस सचिव ने कहा है कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पर हमारा मानना है कि किसी भी समय हमला हो सकता है। भारत, अमेरिका और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं। जहां अमेरिका में महंगाई ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, वहीं अब ब्रिटेन में मुद्रास्फीति दर 30 साल के शिखर पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राहुल कुमार, कुश कुमार यादव, नुन्नू कुमार, सोनू यादव, सोनू कुमार, अखिलेश यादव, महेश दास, परवेज आलम, गायंती देवी, जितेंद्र ठाकुर, राजेश कुमार सिंह, प्रिया यादव, मोहम्मद अहमद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए क्या सभी राज्यों में से कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।